नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना डिडौली पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर SP अमरोहा आदित्य लांगहे के कुशल निर्देश पर अपराधियों व गैंगस्टर चोरों शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। राजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी विजय कुमार राणा के निकट परीक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा यह सफलता हाथ लगी है। मामले में SP अमरोहा ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद वसीम की खास रिपोर्ट में। आज थाना डिडौली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, सामने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, साथ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जब उससे उस व्यक्ति से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुए, साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। साथ ही साथ जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो यही जानकारी मिली कि ये 25,000 का एक इनामी ऑलरेडी वांछित चल रहा था हमारे थाना डिडौली से। इस व्यक्ति के खिलाफ 20 मुकदमे और पहले से पंजीकृत हैं। ये एक इसके खिलाफ लूट, चोरी, डकैती के मुकदमे पहले से हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।